मारिया आप ही आई हुई है, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ भाई। जब तक वो यहाँ है 2-3 डिशेस तो रोज बननी चाहिए। आप ठीक है, आप बता दें, मैं बना लेती हूँ। हाँ तो फिर तुम बिरयानी बनाओ और फिश कबाब फ्राई करो और मीठे में ट्राइफल बनाओ और रायता सलाद भी बनाना। लेकिन भाभी, मारिया आप ही तो बहुत दिन रहेंगी, तो क्या रोज 2-3 डिशेस बनानी है? अरे भाई, इस घर की इकलौती बेटी है वो, जब तक वो यहाँ रहेंगी रोज 3 डिशेस बनेंगी। उनको स्पेशल फील कराओ ना, उनको लगे कि वो अपने महके में आई हैं तो कितनी रिलैक्स हैं। जी। और हाँ, जब रेडी कर लो खाना मुझे बुला लेना, मारिया आप ही के पास जाने से पहले मैं टेस्ट करूंगी। हेलो। हाँ मेरा बच्चा। मम्मा अब प्लीज घर पर आ जाओ, मम्मा प्लीज प्लीज, वो मामा को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ मामा आ जाएंगे। आप रो क्यों रहे हो, परेशान मत हो ना। मम्मा प्लीज आ जाओ मम्मा। इस तरह नहीं रो मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामा कर देगी ना सब कुछ ठीक। मेरी बात कर रहे हैं। हेलो। क्या जोहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? Be strong. कुछ नहीं होगा, अपनी मामा को आपने खुद घर लेकर आना है अपने। बिल्कुल, अब जैसा मैं आपसे कहूंगी ना आपने बिल्कुल वैसा ही करना। आपने और जामिन ने रात तक कुछ भी नहीं खाना, अगर भूख लगे तो फ्रिज में जाकर कुछ भी ले लेना, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ खाया पिया है। पापा फोर्स करें तो आप कहोगे हमें भूख नहीं है। ठीक है आंटी, मैं ऐसे ही करूंगी। अब किसी को पता ना चले कि मेरी आपकी बात हो रही है इसलिए मैं फोन रख रही हूँ। और परेशान नहीं हो, आपकी मामा जल्दी आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू। आपके दोनों बच्चे को कुछ नहीं होगा वकार भाई, या दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आपसे नहीं छीन सकती। क्या मतलब? आपने बस कमजोर नहीं पड़ना, स्ट्रांग रहना है आपने। समझी नहीं मैं। वकार भाई और उनकी फैमिली जानते हैं कि बच्चे आपकी कमजोरी है, बस आपने खामोश रहना है, किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना। अगर वकार भाई फोन भी करें तो आप नॉर्मल रहिएगा, उन्हें लगे कि सब कुछ ठीक है, फिर आप देखें आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और अगर मसले हल नहीं हुए तो? नहीं हुए तो फिर एक और धमाका करेंगे। कैसा धमाका? वो वक्त आने पर आपको सब बता दूंगी। आपको ट्रस्ट है ना मुझ पर? आज से मैं आपकी भाभी नहीं बहन हूँ, आपकी परेशानी मतलब मेरी परेशानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे।